नमस्कार सभी बंधुओं और बहनों को नमस्कार। आज हम लोग फिर से जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है बायोसाइकोलॉजी, और आज हम लोग इस बायोसाइकोलॉजी जैविक विज्ञान के चक्र और ग्रंथियों के संबंध में थोड़ी बातचीत करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है, हमारी जो दुनिया इस धरती पर हम लोग रहते हैं, धीरे धीरे दुनियावी चीज़ों से मतलब मन जो है उन्नत हो रहा है, और ये मन अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर इंटेलेक्चुअल मेंटल लेवल पर ग्रो कर रहा है। तो आज का जो फिजिकल बीइंग है, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स आज एक फिजिकल बीइंग की तरह से हैं, ये धीरे धीरे इनका एक रूपांतरण हो रहा है। ये लोग एक अधिक से अधिक हम लोग मेंटल बीइंग्स हो रहे हैं, मोर इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हो रहे हैं। भविष्य में यही जो इंटेलेक्चुअलिटी है हमें हमारे एवोल्यूशन के रास्ते से आगे ले जाकर हमें अधिकतर आत्मिक सत्ता के रूप में बदल देगी, हम लोग अधिकतर आध्यात्मिक हो जाएंगे। सो फ्रॉम फिजिकैलिटी टू इंटेलेक्चुअलिटी टू स्पिरिचुअलिटी, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन जो आज बदलाहट फिजिकल से इंटेलेक्चुअलिटी में हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही दिखाई पड़ रही है, और बहुत अधिक सुदूर भविष्य में नहीं, बहुत नज़दीक भविष्य में हम लोग देखेंगे कि यही इंटेलेक्चुअलिटी, यही मानसिकता, हमारा मानसिक अस्तित्व, उन्नत मानसिक अस्तित्व हमें एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में रूपांतरित कर देगा। तब इस धरती पर बहुसंख्यक आध्यात्मिक लोग हो जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये स्वाभाविक परिवर्तन है, ये एवोल्यूशनरी परिवर्तन है जो कि सारी धरती पर घटित हो रहा है, हमारे चाहने न चाहने से नहीं, ये अत्यंत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब बायोसाइकोलॉजी के संबंध में चर्चा करते हुए हम लोगों ने पहले एक विषय को डिस्कस किया था, और वो विषय था कि किस प्रकार हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारी चिंताधारा जो है वही हमारे शरीर की संरचना को प्रभावित करती है। तो हमें एक चीज समझना है कि हमारी शरीर की संरचना जो है वो किस प्रकार की है, और हमारा मन उसको किस तरह से प्रभावित करता है। तो हम लोगों ने ये पहले देखा था कि हमारा जो मन है वो वही एक विशिष्ट शरीर रचना में अपने आप को स्थापित करता है। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जब भ्रूण के रूप में जन्म होता है, तो वो भ्रूण जैसे जैसे विकसित करता है तो भ्रूण के लिए जो उपयुक्त मन है प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप वो मन उस भ्रूण के साथ संयुक्त हो जाता है। ये संयुक्ति जिस कारण से होती है या जिस नियम के अनुसार होती है वो नियम उस मन की जो संरचना है जिसमें कि उसके अंदर उसके बचे हुए संस्कार हैं जिन्हें वो मन अभिव्यक्त करना चाहता है, जिन्हें वो भोग नहीं पाया है, पूर्व जन्मों के अभुक्त संस्कार उस मन के साथ जुड़े होते हैं और वही उसका ड्राइविंग फोर्स होता है। संस्कार ही मन का ड्राइविंग फोर्स होता है। तो संस्कार की अभिव्यक्ति के लिए वो मन एक इस प्रकार के शरीर और परिवेश को चाहता है जहां उसके संस्कारों का भोग सहज रूप से हो जाए। तो इस प्रकार के शरीर और परिवेश का निर्धारण उस प्राकृतिक व्यवस्था से होता है। तो हमारे मन को जो गति देने वाला तत्व है वो है उसका संस्कार, और ये संस्कार जब मन को गति देते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति होती है वृत्तियों के माध्यम से। तो जैसे हमारा एक जटिल शरीर है, हमने देखा कि किस प्रकार हमारा
प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स से बना हुआ ये हमारा जो जटिल शरीर है, जिसके अंदर बहुत तरह की रचनाएं हैं, बहुत तरह के अंग प्रत्यंग हैं। और इस शरीर रचना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है हमारी रीढ़ की हड्डी। अब हमारी रीढ़ की हड्डी का जो निम्नतम बिंदु है, जो सबसे नीचे की हड्डी है, और वहां से चलकर हमारे शीर्ष तक, हमारे माथे के सबसे उन्नत बिंदु तक, ये जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, इसका कनेक्शन है। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में बहुत सी चीजें हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की रचना का सबसे प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर। और ये रीढ़ की जो हड्डी है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम कहते हैं, उस स्पाइनल कॉलम के अंदर कुछ सूक्ष्म नाड़ियां हैं। वो सूक्ष्म नाड़ियां निचले पॉइंट बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक चली गई हैं, और वो मुख्य रूप से हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ये जो इड़ा पिंगला नाड़ियां हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के में एक दूसरे से गुथी हुई रूप में ऊपर उठती हैं इन स्पाइरल मैनर, और स्पाइरल तरीके से उठकर वो आकर हमारे नॉस्ट्रिल्स में आ जाती हैं दोनों, और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सीधी ऊपर चली जाती है। तो ये जो दो नाड़ियां, जिसे हमने इड़ा पिंगला कहा, वो जिस जहां जहां भी इन तीनों नाड़ियों का कटाव होता है, जहां ये तीनों मिलती हैं, वहीं पर चक्रों की अवस्थिति है। अब पहले हम लोग ये समझें कि आज का विषय चूंकि चक्र और चक्र है और ग्लैंड्स है, चक्र और ग्लैंड चूंकि आज का विषय है, तो हमें इसको थोड़ा सा समझना होगा। हमने ये समझने की चेष्टा की कि हमारा जो मन है उसका ड्राइविंग फोर्स उसके संस्कारों से आता है। अब ये जो मन हमारा है, ये अभिव्यक्त कैसे होता है, एक्सप्रेस कैसे होता है? तो उस संस्कारों के कारण तो मन ने एक विशेष शरीर पा लिया, और उस शरीर का फिर उन्हीं संस्कारों के अनुरूप विकास होता है। एक व्यक्ति विशेष हमारे सामने प्रकट हो जाता है बड़ा होकर, छोटा बच्चा बनता है वही युवक बन जाता है, वही बड़ा होकर समाज के लिए कल्याणकारी भाव में आ जाता है, हाँ, और वही अंत में चलकर फिर उस शरीर का शेष हो जाता है। तो ये जो हमारा मन है, ये अभिव्यक्ति पाता है वृत्तियों के माध्यम से। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने पहले भी की थी, और ये वृत्तियां ही हमारे चक्रों को प्रभावित करती हैं। वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियां वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे मन के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, वो अभिव्यक्तियां, और ये हर व्यक्ति के मन के साथ जुड़ी हुई हैं। जिसने भी मनुष्य का शरीर पाया है, उसके अंदर ये वृत्तियां हैं। अब हर आदमी की वृत्तियों का जो एक्सप्रेशन है, उसके संस्कार और परिवेश के अनुरूप होता है। इसलिए हर व्यक्ति इस दृष्टि से भिन्न हो जाता है, उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न हो जाती हैं, उसकी वृत्तियों का की अभिव्यक्तियां भिन्न हो जाती हैं। ये वृत्तियां क्या हैं? जैसे आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, अनेक प्रकार की भावनाएं। फिर बहुत निम्न स्तर की वृत्तियां भी हैं, जैसे जैसे अवज्ञा है। अब किसी बच्चे के अंदर बात नहीं मानने की भावना है ना, अविश्वास है, सर्वनाश है। तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, ईर्ष्या है, तृष्णा है, क्रोध है, घृणा है, भय है। तो ये सब वृत्तियां हमारे अंदर हैं, और ये वृत्तियां मुख्य रूप से 50 ऐसी वृत्तियां हैं। और चूंकि इनका ड्राइविंग फोर्स इन वृत्तियों का मन के माध्यम से हमारे संस्कार हैं, इसलिए हर आदमी के अंदर ये वृत्तियां जो हैं भिन्न प्रकार से एक्सप्रेस होती हैं, और ये वृत्तियां प्रभावित करती हैं हमारे ग्रंथि समूह को। हमारे शरीर का जो की रचना जो है वो ग्रंथियों से भरी हुई है, अनेक ग्रंथियां हैं। तो आज हम लोग इन्हीं चक्रों और ग्रंथियों के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अब ग्रंथियों में क्या होता है कि जब ग्रंथियों में आकर इस वृत्ति का प्रभाव होता है,
तो ग्रंथि अपने आप उस वृत्ति को हमारे परिवेश हमारी मानसिकता के अनुरूप एक लालसा में, एक इच्छा में, एक कामना में बदल देते हैं। वही वृत्ति एक्सप्रेस फॉर्म में एक लॉन्गिंग के रूप में एक्सप्रेस होती है। और ये लालसा जो है, ये लालसा ही हमारे ग्लैंड्स को प्रभावित करती है। जिस प्रकार की लालसा होती है उसी प्रकार का हमारे ग्लैंड्स पर प्रभाव पड़ता है। और ग्लैंड्स पर प्रभाव का असर क्या होता है कि ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन होता है, उससे जो रस श्राव हो रहा है, हार्मोनल सीक्रेशन, वो हार्मोनल सीक्रेशन उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वो लालसा, वो भावना, वो कामना, हमारी इच्छा किस प्रकार की है, कितनी इंटेंसिटी की है, उसी के हिसाब से उसके उस ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और उस ग्रंथि पर तदनुकूल हार्मोनल सीक्रेशन होता है। और यह हार्मोनल सीक्रेशन जो है से क्या होता है, हमारे जो नर्व सेल्स हैं, हमारे शरीर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं और हमारे शरीर में उसी के माध्यम से हम अपना, हमारा जो बिहेवियर है वो प्रकट होता है। हमारा बिहेवियर, इसीलिए हमारा अंततः हमारा बिहेवियर इसी तरह से इंटीग्रेटेड है। संस्कार से मन पुश हो रहा है, संस्कार ही मन का ड्राइविंग फोर्स है और वो वृत्तियों को जन्म देता है। वो व्यक्ति, उन्हीं वृत्तियां जो 50 वृत्तियां हमारे शरीर में हैं, वो वृत्तियां हमारी अभिव्यक्ति हैं, वो हमारे मन की अभिव्यक्तियां हैं संस्कार के अनुरूप, और वो हमारे चक्रों को प्रभावित करती हैं। चक्रों से पर प्रभावित होने से उनका एक स्वरूप बदल जाता है, एक लालसा का रूप ले लेती हैं हमारे परिवेश के अनुसार, हमारा व्यक्तित्व के अनुसार, हमारे जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की वृत्ति है, उसी के अनुरूप हमारी लालसाएं बदल जाती हैं और वो लालसाएं अंततः हमारी ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं और ये ग्रंथियां उसके अनुरूप हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं और ये हार्मोन्स का सीक्रेशन के अनुरूप ही हमारा व्यवहार बन जाता है। तो ये पूरा का चक्र जो है, ये जो पूरा चक्र है, ये इस प्रकार से प्रभावित होता है। हमारा जो पर्सनैलिटी ये है, उसका जो एक्सप्रेशन है, इस हमारे कंडक्ट का जो एक्सप्रेशन है, वो अंततः हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, किस प्रकार हमारे संस्कार अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो ये शरीर की रचना में किस प्रकार ये लालसाएं हमारे मन को खींचती हैं और हमारे मन को खींचकर अंततः उनकी जो हार्मोनल सीक्रेशन है वो एक व्यवहार को जन्म दे देती है, एक विशेष प्रकार का व्यवहार। जैसे अगर मान लीजिए हमारे मन में कोई जड़ वृत्ति है और वो अभिव्यक्त होना चाहती है, जैसे किसी के अंदर मान लीजिए सेक्सुअल अर्ज है, तो वो मूलाधार चक्र में प्रकट होती है तो उसकी अभिव्यक्ति भी बदल जाती है। और यदि मान लीजिए किसी के मन में कल्याण भाव है, यूनिवर्सल वेलफेयर की भावना है, तो वो विशुद्ध चक्र में प्रकट हो जाती है। तो जो निम्न चक्र हैं वो जागतिक वृत्तियों के संवाहक हैं और जो ऊर्ध्व चक्र हैं वो हमारे सूक्ष्म वृत्तियों के संवाहक हैं। अब इनको हम तीन भागों में चक्रों को विभाजित कर सकते हैं उनकी वृत्ति समूह के अनुरूप। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो वृत्तियां हैं मूल रूप से वो वृत्तियां तीन रूप में हैं। तो जो एकदम क्रूर वृत्तियां हैं जिन्हें हम जागतिक वृत्तियां कह सकते हैं वो निम्न तीन चक्रों में हैं, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। तो ये तीन जो चक्र हुए, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और मूलाधार, इनमें निम्न वृत्तियां रहती हैं, जड़ वृत्तियां। अब इनमें कौन सी वृत्तियां रहती हैं? तो हमने देखा है कि जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो सबसे नीचे का चक्र है, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे लास्ट बोन है, वो उस वहां जो उसके केंद्र में जो चक्र है जिसे हम लोग मूलाधार चक्र कहते हैं। अब ये जो मूलाधार चक्र है, एक हमें यहां समझना है कि ये चक्र है और इसके इर्द गिर्द ग्रंथि समूह हैं, ग्लैंड्स हैं, सब ग्लैंड्स हैं।
तो ये जो ग्रंथि समूह एक चक्र के इर्द गिर्द होता है, तो वो चक्र अब केवल चक्र नहीं रह जाता बल्कि एक मंडल बन जाता है। जैसे अब मूलाधार चक्र जो है वो एक मंडल बन गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी मंडल कह सकते हैं, हमारे शरीर का पृथ्वी मंडल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग टेरेनियन प्लेक्सस कहते हैं। मंडल को हम लोग अंग्रेजी में प्लेक्सस कह सकते हैं, लैटिन वर्ड है प्लेक्सस। तो ये जो मूलाधार चक्र है, ये इसका जो मंडल है जिसे हम लोग भौम मंडल भी कहते हैं, ये जो भौम मंडल है इसमें चार वृत्तियां हैं मुख्य रूप से, वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब हमारे जीवन की जो मुख्य वृत्तियां हैं जिससे हमारा सारा जीवन संचालित होता है, वो हमारे मूलाधार चक्र में ही स्थित है। इसलिए मूलाधार चक्र हमारे जीवन का आधार है, ये हमारे जीवन का हमारे जीवन की रीढ़ है। ये रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला भाग है, यही हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये फंडामेंटल वृत्तियां वहां रहती हैं। अब जब ये चक्र, अब ऊपर हमारे चक्र में हम स्वाधिष्ठान चक्र में आ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर छह वृत्तियां हैं। वो वृत्तियां क्या हैं? अवज्ञा करना, बात ना मानना, फिर है मूर्छा, मतलब लैक ऑफ कॉमन सेंस, है ना, मूर्खता, प्रश्रय माने इंडलजेंस है, फिर है अविश्वास है, फिर है सर्वनाश, फिर है क्रूरता, क्रुएलिटी। तो इस प्रकार ये छह वृत्तियों की अभिव्यक्ति स्वाधिष्ठान चक्र के माध्यम से होती है। फिर जब हम ऊपर उठते हैं और मणिपुर चक्र में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहां पर 10 चक्र वृत्तियां हैं। वो 10 वृत्तियां क्या हैं? लज्जा, पिशुनता, पिशुनता है माने सैडिस्टिक टेंडेंसी, दूसरे को दुख देने की टेंडेंसी, फिर ईर्ष्या है, सुषुप्ति है, विषाद है, काषाय है, तृष्णा है, मोह है, घृणा, भय। इस प्रकार 10 वृत्तियां हमारे मणिपुर चक्र में आ जाती हैं। तो हमने देखा कि हमारे मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र में जो जागतिक वृत्तियों का समूह है वो है। मुख्य रूप से हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारी सेक्स ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, काम वृत्ति को नियंत्रित करता है, लेकिन वहां साथ साथ अर्थ भी है, धर्म भी है। क्योंकि ये जो काम वृत्ति है, ये अपनी अभिव्यक्ति में हमारे हृदय में वो उदात्त भाव भी पैदा करती है। तो जहां सेक्स वृत्ति से रिप्रोडक्शन भी होता है, उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है प्लेजर का, तो वहीं पर यही सेक्स वृत्ति हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी को भी जन्म देती है। उसी क्रिएटिविटी के परिणाम स्वरूप मनुष्य के हृदय में धर्मबोध भी पैदा होता है। अब जब हमने ये तीन चक्रों के से संबंधित वृत्तियों को समझ लिया, तब हम लोग देखते हैं कि अब ये चक्र क्या हुआ है, चक्र क्या है। तो चक्र है एक्चुअली मानसाध्यात्मिक क्रिया शक्ति का केंद्र। मतलब हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, जिनकी अभिव्यक्ति हमने देखा विशेष रूप से वृत्तियों के माध्यम से हो रही है, तो ये जो चक्र विशेष है, ये चक्र विशेष एक मानसाध्यात्मिक शक्ति या ऊर्जा का केंद्र है। और ये ऊर्जा वहां से प्रकट होती है। ये कोई भी, चाहे वो चक्र के अंदर कितनी भी निम्नतम वृत्तियां हों, लेकिन जब हमारे ग्रंथियों का जो सीक्रेशन है वो ऑप्टिमम होता है, सम्यक सीक्रेशन जब होता है, ऑप्टिमम सीक्रेशन होता है, तो ये वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। वहीं पर अवज्ञा और सुषुप्ति और विषाद काषाय आदि, या लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, दोष आदि जो हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो हमारी ग्रंथियों के माध्यम से ये नियंत्रण तो होता है। इस नियंत्रण के लिए आवश्यक क्या हुआ कि हमारा जो चक्र विशेष है, उस चक्र विशेष के अंदर जो
आध्यात्मिक शक्ति है, जो जो आध्यात्मिक मानसाध्यात्मिक जो जो शक्ति उसके अंदर है, जिसे हम लोग क्रियाशक्ति कहते हैं, वो क्रियाशक्ति अपनी अभिव्यक्ति में उनको नियंत्रित करती है। जहां पर उसका आधिक्य होता है तो उसका प्रकाश भी अधिक हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी के मन में अवज्ञा वृत्ति बहुत अधिक है, तो अवज्ञा वृत्ति अधिक कब है? जब वहां पर सीक्रेशन एक्सेसिव हो गया। वो सीक्रेशन एक्सेसिव कब होगा? जब हमारे हमारे मन में एक विशेष प्रकार की वृत्ति की अभिव्यक्ति की संभावना बनेगी। तो हमारे शरीर की रचना हमारे मन को लगातार प्रभावित कर रही है, और हमारे मन के प्रभाव से हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है। अब ये चक्र को हमने समझा, तो उसकी जगह ये जो प्लेक्सस है, या जिसे हमने भौम मंडल कहा, जैसे मूलाधार को हमने भौम मंडल कहा, उसके बाद स्वाधिष्ठान को हम लोग तरल मंडल कहते हैं, मणिपुर को हम लोग अग्नि मंडल कहते हैं। तो ये भौम तरल और अग्नि मंडल हैं। इनका क्या तात्पर्य है, इनको कैसे समझा जाएगा? तो इनको समझने के लिए हमें कहना होगा कि एक्चुअली ये जो मंडल है, ये एक नेटवर्क है, उस क्रिया शक्ति की चैनल्स का एक नेटवर्क है। ये कहके अभी हमने देखा चक्र एक विशिष्ट स्थान है, एक विशिष्ट केंद्र है, जहां से अभिव्यक्ति की शक्ति अपना प्रकाश पाती है। और ये जो मंडल है, उससे उसको घेर कर जो ग्रंथि समूह हैं, ग्लैंड सब ग्लैंड्स हैं, नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो सब मिलकर एक नेटवर्क बन जाता है। क्योंकि यदि हमें 6 वृत्तियों का अभिप्रकाश करना है, तो वो 6 वृत्तियां हमारे चक्र के आसपास में जो ग्रंथि समूह है, उन ग्रंथि समूहों के हार्मोनल सीक्रेशन पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार मणिपुर की 10 वृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए उसके आसपास की जो वृत्तियां, जो ग्लैंड्स हैं, वो प्रभावित करती हैं। तो अभी हमने समझा कि किस प्रकार ये जो चक्र हैं और हमारा प्लेक्सस हैं, या हमारे मंडल हैं, वो किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और किस प्रकार वो जुड़े हुए हैं। अब हम लोग समझना चाहते हैं कि ये जो चक्र और मंडल हैं या प्लेक्सस हैं, ये और इनके साथ में जो जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं, ये इनका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य, जैसे एक तात्पर्य हमने समझने की चेष्टा की कि एक एक चक्र के साथ में जुड़ी हुई वृत्तियां अपने आप को अभिव्यक्ति का अवसर पाती हैं। अब हम ऊपर के चक्रों में चलते हैं, जैसे मणिपुर के बाद आ जाते हैं हम लोग अनाहत चक्र पर। तो अनाहत चक्र में 12 वृत्तियां हैं। वो 12 वृत्तियां क्या हैं? आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, इस प्रकार की शुभ वृत्तियां हैं। इसलिए ये जो शुभ वृत्तियां हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार पाती हैं? वहां के ग्रंथि समूह से। अब यहां पर जो ग्रंथि है, जिस मुख्य ग्रंथि के कारण हमारा जो अनाहत चक्र प्रभावित हो रहा है, वो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि का विशिष्टता क्या है? थाइमस ग्रंथि है और लिम्फेटिक्स लिम्फॉइड्स भी हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी हैं, वहीं पर अनाहत चक्र के साथ ही जुड़े हुए। और ये जो अनाहत चक्र हुआ, ये अनाहत चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्योंकि ये जो अनाहत चक्र है, ये प्रेम का, ममता का, आशा का, विचारशीलता का केंद्र है। इसलिए ये नक्षत्र मंडल है, और ये नक्षत्र मंडल सारे विश्व ब्रह्मांड में जो 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 भी गैलेक्सीज हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनके द्वारा जो उनके वहां से जो रेज आ रही हैं, वो हमारी ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं। तो ये जो बायोसाइकोलॉजी का विज्ञान है, एकदम अभिनव विज्ञान है। अभी तक इसके संबंध में बहुत अधिक चर्चा समाज में नहीं हुई है। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि ये जो विज्ञान है बायोसाइकोलॉजी का, विशेष रूप से जो ग्लैंड्स का और चक्रों का संबंध निर्धारित करने वाला जो विज्ञान है, इसकी सबसे पहली चर्चा अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र ने की थी। महर्षि अष्टावक्र ने लगभग 2000 साल पहले इस विज्ञान की चर्चा की,
और इसके अनुरूप एक साधना विधि उन्होंने सबसे पहले अपने एक शिष्य अलार्क को सिखाई। तो जहां तक इस ज्ञान के उद्भव का सवाल है, मूल उद्भव तो भगवान शिव से है, शिव ही आदि गुरु हैं जिनके माध्यम से ये समस्त ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन उसकी एक विशेष प्रक्रिया के रूप में, उसको अभिव्यक्ति देने में महर्षि अष्टावक्र की जो का जो महत्व है उसे स्वीकारना ही पड़ता है। तो महर्षि अष्टावक्र ने स्वयं इस साधना को किया और अपने अनुभव किया कि किस प्रकार इन वृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब हमने देखा कि ये जो विज्ञान, जब हम अनाहत चक्र पर आए और अनाहत चक्र पर आकर हमने समझने की चेष्टा की कि ये जो हमारी 12 अनाहत चक्र की वृत्तियां हैं वो हमारे मन को प्रभावित करती हैं और उसके इर्द गिर्द जो 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 ग्रंथि समूह है, जैसा कि हमने समझा, थाइमस ग्लैंड है और लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं। ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स मूल रूप से प्रभावित होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जब हम ग्रंथि समूह की चर्चा करेंगे तो और भी संबंध में जानेंगे, लेकिन जब हम चक्रों को समझ रहे हैं तो हमने देखा कि अनाहत चक्र के इर्द गिर्द, या जिसे हम लोगों ने नक्षत्र मंडल कहा, इस नक्षत्र मंडल के इर्द गिर्द जो 12 वृत्तियां हैं, वो 12 वृत्तियां अलग अलग ग्रंथि समूह के हार्मोनल सीक्रेशन के अनुरूप प्रभावित होती हैं और अपनी अपनी वृत्तियों से निम्न वृत्तियों को भी प्रभावित करती हैं, निम्न चक्रों को भी प्रभावित करती हैं। अब हम ऊपर उठते हैं और विशुद्ध चक्र पर जब आ जाते हैं तो विशुद्ध चक्र पर हम देखते हैं, विशुद्ध चक्र हमारे कंठ में है, अनाहत चक्र हमारे हृदय, माने हमारे 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 हृदय हृदय माने फिजिकल हार्ट नहीं, बल्कि हमारे हमारे चेस्ट का जो सेंट्रल पॉइंट है वो अनाहत चक्र का बिंदु है। वो बिंदु कहाँ पर स्थित है? हमारी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में, केंद्र में। यदि हम अपने छाती के बीच से लंब डालें, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही अनाहत चक्र की स्थिति है। ये जो अनाहत चक्र है, इसके चारों तरफ जो ग्रंथि समूह है वो इसको प्रभावित कर रहा है। ऊपर में जो ग्रंथियां हैं, विशेष रूप से पिट्यूटरी एंड पिलियल हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, ये सब जो हैं हमारे निम्न ग्रंथियों को भी प्रभावित कर रही हैं। अब हम आकर विशुद्ध चक्र पर आ जाते हैं और विशुद्ध चक्र पर उसी प्रकार इसी तरह से सुवृत्तियों का 16 वृत्तियों का समूह है। तो हमारा जो विशुद्ध चक्र है उसमें 16 वृत्तियां हैं। वो 16 वृत्तियां क्या हैं? पहली 7 वृत्तियां हैं हमारा सुर सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी। ये जो 7 वृत्तियां, ये 7 सुर सप्तक है, इन सुर सप्तक की जो मूल धारा है, मूल धारा का की अभिव्यक्ति होती है हमारे विशुद्ध चक्र के माध्यम से। और विशुद्ध चक्र में कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं? तो वो मुख्य रूप से 2 ग्रंथियां हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है। तो ये जो 12 वृत्तियां हैं, 16 वृत्तियां हैं, जिसे हमने कहा कि 7 वृत्तियां तो हो गई हमारी सुर सप्तक की वृत्तियां, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है ओम हूम फट। तो ओम है सृष्टि का बीज मंत्र, ये सृष्टि की जो उत्पत्ति है, सृष्टि का जो संहार है, सृष्टि का जो लालन पोषण है, उसकी जो मूल धारा है, सृष्टि की जो मूल भावना है, मूल धारा है, जिस बिंदु से निश्चित हुई है, निकली है, उस बिंदु से जो ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति होती है, उस ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति को ही ओंकार कहते हैं, ओम ध्वनि कहते हैं। और साधक जब उच्चतर स्थिति में आ जाते हैं, जब वो साधक साधना मार्ग में अभ्यास करते हुए ध्यानस्थ हो जाते हैं, जब उनका मन एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और अपने मंत्र के लक्ष्य को साध लेता है, तो उस स्थिति में साधक ओंकार ध्वनि का श्रवण करते हैं। ओंकार ध्वनि मुंह से बोलने वाला शब्द नहीं है, ये सुनने वाली चीज है। और वो कब सुना जाता है? जब साधक आध्यात्मिक रूप से उस विशेष स्थिति में को प्राप्त करते हैं, ध्यान की एक विशेष स्थिति में साधक ओंकार ध्वनि को सुनते हैं, तब उनका तादात्म्य ब्रह्मांड से हो जाता है। तो उस आदि बिंदु से
जो नाद निकल रहा है, जिस नाद को हम लोग ओंकार ध्वनि कहते हैं, ये जो नाद है वो नाद सुना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओम हूम फट, फट माने किसी भी काम को करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है, फट से हमने ये काम कर दिया। तो फट माने पुटिंग समथिंग इनटू प्रैक्टिकल फॉर्म, ओम हूम फट हो गया। और उसके बाद क्या है, नमः, नमः वृत्ति माने जब मनुष्य सूक्ष्म स्तर के काम में लगते हैं, जब आप आत्मसमर्पण करते हैं, जब 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 वो परम चैतन्य सत्ता के संबंध में अभिभूत होकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, तो वो है नमः वृत्ति माने आत्मसमर्पण की वृत्ति। और स्वाहा माने जब आप मनुष्य कोई अच्छा काम करते हैं, सूक्ष्म कार्य करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और ज्ञान का विस्तार करते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं, तो वहां स्वाहा वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। और उसके बाद में है विष और अमृत। तो हमने देखा कि मनुष्य विष माने कड़वी बात, दूसरे को दुख देने वाली बात, दूसरे को विषैली बात कह देना, तो विषैली भावना की जो अभिव्यक्ति है वो है विष वृत्ति। और अमृत वृत्ति है जो आनंदित कर देती है मनुष्य को जीवनदायिनी वृत्ति जो है, इसकी अभिव्यक्ति होने पर जो हमारे समक्ष आते हैं, जो हमसे परिचित होते हैं, उन्हें हमसे मिलकर एक नया जीवन का संदेश मिल जाता है। कोई कमजोर मन है, कोई आदमी बहुत अधिक अपने आप को कमजोर, हेल्पलेस, होपलेस स्थिति में समझ रहा है, तो अमृत वृत्ति के अभिप्रकाश से उसके जीवन में एक नई धारा पैदा हो जाती है, उसके जीवन में विश्वास पैदा हो जाता है। तो ये अभिव्यक्ति हुई। अब हमने देखा कि ये 16 वृत्तियों की अभिव्यक्ति जिन चक्रों के जिस चक्र पर होती है वो है विशुद्ध चक्र। और इस विशुद्ध चक्र के इर्द गिर्द में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो वृत्तियां हैं, जिनसे निकलने वाली कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके माध्यम से इन वृत्तियों का अभिप्रकाश होता है। और इनको इस चक्र को प्रभावित करने वाली का ऊपर का जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र, जो कि हमारी त्रिकुटी पर हमारे आईब्रोज के केंद्र में जस्ट इसके पीछे ही उसकी स्थिति है। ये है आज्ञा चक्र। ये जो आज्ञा चक्र है इसे हम लोग सौर मंडल कहते हैं, क्योंकि सूर्य ही हमारे 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 ये जो प्लैनेटरी सिस्टम है इसका सबसे बड़ा स्टार है, उसी से हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का जन्म हुआ है। तो सूर्य का सबसे अधिक प्रभाव हमारे हमारे सॉरी ये जो हमारा विशुद्ध चक्र है ये है सौर मंडल, और ये जो आज्ञा चक्र है ये है शशि मंडल। तो यहां सौर मंडल है, यहां सौर सूर्य का प्रभाव है, और यहां पर हमारे चंद्रमा का प्रभाव है। ये हुआ शशि मंडल। इस शशि मंडल में और इस आज्ञा चक्र में दो प्रधान वृत्तियां हैं, एक है अपरा और दूसरी है परा। अपरा माने जो हमें जागतिक जीवन में ले जाती है, जड़ की तरफ ले जाती है, और परा जो हमें ऊर्ध्व लोक में ले जाती है, जो हमारे मन को धर्मबोध से भर देती है, जिसके कारण हमारे हृदय में सर्व कल्याण की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य परम चैतन्य की ओर आगे बढ़ते हैं जिसकी प्रेरणा से। तो इस प्रकार परा और अपरा नाम की दो मुख्य वृत्तियां हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी समस्त नीचे की ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, सभी चक्रों को प्रभावित करने वाली जो हमारी सबसे मुख्य ग्रंथियां हैं वो तीन हैं। वो तीन ग्रंथियां क्या है, सबसे पहले पिनियल ग्लैंड जो सबसे ऊपर में सहस्रार चक्र में स्थित है। ये जो पिनियल ग्लैंड है हमारे मस्तिष्क में हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में 1 सेंटीमीटर लंबा और 100 मिलीग्राम इस वजन वाला एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर है जो कि यहां पर है, जिसे हम लोग पिनियल ग्लैंड कहते हैं। ये पिनियल ग्लैंड जो है और पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पर स्थित है। और तीसरा है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है, एक न्यूरल सिस्टम है, एक नर्व सेल है। तो इस प्रकार ये तीनों चीजें मिलकर सारे संरचना को, हमारे शरीर की सारी संरचना माने हमारी सभी ग्रंथि समूह को, सभी चक्रों को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारा जो शशि मंडल है, जो चंद्रमा का मंडल है, इस चंद्रमा के मंडल में मुख्य रूप से तीन ग्रंथियां मुख्य प्रधान रूप से काम करती हैं। वो हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं का केंद्र है, वहीं से सेक्स ग्लैंड भी प्रभावित होती है। और हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से अनेक हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं। मुख्य रूप से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो दोनों हार्मोन जो हैं आकर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर में स्टोर हो जाते हैं और उसी के अनुरूप उनका वो निम्न ग्रंथियों में जाकर उन ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन की अभिव्यक्तियां होती हैं। और इन 50 वृत्तियों को लेकर जब हम ऊपर उठते हैं और सहस्रार चक्र में आ जाते हैं, तो सहस्रार चक्र का नामकरण ही हुआ है सहस्त्र वृत्तियां, माने 1000 वृत्ति। ये जो 1000 वृत्तियों का नामकरण क्यों हुआ, क्योंकि ये जब 50 वृत्तियां हैं, इनकी अभिव्यक्ति बाह्य और अंतर दोनों रूप से होती है। एक उसका बाह्य एक्सप्रेशन, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन भी है इन वृत्तियों का, और दूसरा एक आंतरिक एक्सप्रेशन भी है, इंटरनल एक्सप्रेशन भी है। तो ये 50 वृत्तियां अंत और बाह्य से मिलकर 100 हो जाती हैं। और ये 100 वृत्तियां जब हमारी 10 इंद्रियों के माध्यम से, 5 ज्ञानेन्द्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं, तो ये 100 × 10 1000 इनका स्वरूप हो जाता है। ये 1000 जो वृत्तियां हैं, इनका नियंत्रक बिंदु है सहस्रार चक्र। इस सहस्रार चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस सहस्रार चक्र को कहते हैं हम लोग ऑकल्ट प्लेक्सस, मैक्रो ऑकल्ट प्लेक्सस। ये जो सहस्रार चक्र है, ये सहस्रार चक्र इन 1000 वृत्तियों का नियंत्रक है, इसीलिए पिनियल ग्लैंड के माध्यम से यह नियंत्रण होता है। अब हम लोग धीरे धीरे करके समझने की चेष्टा करते हैं कि किस प्रकार ये जो पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और धीरे नीचे उतरने पर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज हैं, ये सब हमारे शरीर में, हमारी सेक्स ग्लैंड है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये किस प्रकार एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अभी हमने चक्रों की स्थिति को ठीक से समझने की चेष्टा की है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जीवन है, उसका संचालन शुभ वृत्तियों के माध्यम से होता है। मनुष्य जो है आगे बढ़ते हैं, मनुष्य आगे बढ़कर शुभ कार्य में लगते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया पैदा करते हैं, नया विचार देते हैं, नई भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, है ना। तो मनुष्य की ये जो उत्प्रेरणा है, उसका जो सोर्स है, वो शुभ वृत्तियां हैं। और वो शुभ वृत्तियों का संचालन, जैसा कि हमने देखा, मुख्य रूप से पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के माध्यम से ही होता है। ये पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड जो है हमारे हृदय को उदार बनाती हैं, हमारे मन को विराट बनाती हैं, एक ऐसा मन जो सबको अपने अंदर समा लेता है। सामान्य रूप से मनुष्य भेदभाव की भावनाओं से भरे होते हैं, कहीं जाति का भेद है, कहीं भाषा का भेद है, कहीं राष्ट्रीयता का भेद है, कहीं रंग रूप का भेद है। तो इस सभी भेदभावों से जब मन मुक्त हो जाता है, उदार मन हो जाता है, उदार भावनाएं जब हमारे हृदय में भर जाती हैं और हमारा मन विशाल हो जाता है, जो सबको अंदर अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है। ये जो सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त जो मन होता है, वही मन हमें आगे ले चलता है, वही मन हमें अपने उत्स की ओर ले जाता है, हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, तब तक मन उदार नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। जिस हृदय में संकोच है, शंकाएं हैं, वो मन जो है निर्मल नहीं हो सकता है। तो मन निर्मल कब होगा, जब हमारे हृदय से शंका
का समाधान हो जाता है। तो निम्न तीन चक्रों में जो वृत्तियां हैं उनमें हम देखते हैं कि वहां पर जो प्रधान ग्रंथियां हैं वो कौन सी हैं। तो हमने देखा कि सबसे नीचे हम देखते हैं हमारी टेस्टीज एंड ओवरीज हैं, है ना, पुरुष और स्त्रियों के उसमें। फिर हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बेसिकली बायोलॉजिकली कोई ग्लैंड के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन उसके प्रभाव को नहीं नकारा जा सकता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड तो आदमियों से संबंधित है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जिस प्रकार का फंक्शन होता है उसी प्रकार का फंक्शन जो है वो स्त्रियों में कोई यूटेरिन ग्लैंड्स के माध्यम से वो संचालित हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारे निम्न चक्रों में जहां टेस्टीज ओवरीज और ये ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर हम जब ऊपर उठते हैं तो हमारी जो फ्लूडल या जो हमारा तरल मंडल है जिसे हम लोग स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, उस तरल मंडल को प्रभावित करने वाली हमारी सेक्स ग्लैंड्स हैं। और उसके ऊपर में हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, हमारी जो ग्लैंड्स का समूह है वो कौन सा है, वो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं ये उसी प्रकार वो किडनी के दोनों तरफ उनकी स्थिति है, और जिस प्रकार दो किडनियां होती हैं उसी प्रकार दो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। और इन एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन से कि न केवल हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित होता है बल्कि हमारा फ्लूडल चक्र जो मतलब स्वादिष्ठान चक्र है वहां की वृत्तियां भी प्रभावित होती हैं, हमारा सेक्स ग्लैंड भी प्रभावित होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो अब क्या हो रहा है कि हमने देखा कि मणिपुर चक्र के आसपास में जहां तक एड्रिनल ग्लैंड है उसी प्रकार इसको पैनक्रियाज भी प्रभावित कर रहे हैं। अब ये जो पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज के माध्यम से जो हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है वो पैनक्रियाज का मुख्य रूप क्या है, वो एक्सोक्रीन ग्लैंड कहलाती हैं। मुख्य रूप से वो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को हमारे अंदर हमारे शरीर में देती हैं। उनका अधिकतर काम जो है डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को देना है, जिससे हमारा पाचन संस्थान ठीक से काम करता है। तो जो पाचन तत्व हैं, जो पाचक तत्व हैं, उनका निश्रण, उनका श्राव इस पैनक्रियाज से होता है। और पैनक्रियाज का जो एक छोटा रूप स्वरूप है वो है कि वो हमारे शरीर में जो आइलेट्स हैं, विशेष रूप से जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स हैं जिसे हम लोग पैनक्रियाज के माने, जिससे हमारा शुगर कंट्रोल होता है, इंसुलिन कंट्रोल होता है। तो ये इंसुलिन की जो कंट्रोल करने की जो वो है, इंसुलिन का जो कंट्रोल होता है ये हमारे दो तरह के सेल्स के माध्यम से होता है। हमारा जो ये जो आइलेट्स हैं, आइलेट्स और लैंगरहंस, तो लैंगरहंस नाम के एक आदमी ने इसका आविष्कार किया, इनको पता किया, तो उसी के नाम से इनको इन आइलेट्स कहा जाता है। तो पेनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है, अब इसमें दो प्रकार के इंसुलिन की चर्चा है, एक होता अल्फा इंसुलिन और एक होता बीटा इंसुलिन। तो जो बीटा इंसुलिन होता है वो हमारे शरीर को, हमारे शरीर से शुगर को खींच लेता है, और अल्फा का काम होता है उसका अपोजिट। तो हमें हमारे शरीर में जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन, वायु, सूर्य की रोशनी और जल, इससे सारी हमें प्राण शक्ति मिलती है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति आती है, उस प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति के कारण हमारे सर में, हमारे शरीर में रस, रक्त, इस प्रकार हैं, मेद, मज्जा, हड्डी और शुक्र, ये पंच, ये सात धातुओं का निर्माण हो जाता है। इससे ही हमारा शरीर बनता है। तो ये जो धातुओं का निर्माण हो रहा है ये किस प्रकार हो रहा है कि जो भोजन हमने किया उनको पाचक तत्व मिले, पैनक्रियाज से हमको वो डाइजेस्टिव जूसेस मिले, जिससे ये जो भोजन है वो एक सूक्ष्म रस में रूपांतरित होता है, वही सूक्ष्म रस आगे चलकर रक्त में रूपांतरित हो जाता है, वही मेद बन जाता है, वही फैट बन जाता है, वही मज्जा बन जाती है,
मैरो बन जाता है, बोन मैरो बन जाता है, बोन बनता है मैरो बन जाता है, बोन मैरो बन जाता है, और वही शुक्र बन जाता है माने लिम्फ बन जाता है। तो जहां तक इस रचना का सवाल है, तो इस रचना में इसके कारण हमारे ब्लड में शुगर बढ़ता है, तो शुगर बढ़ने से उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ये इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से ही हमें मिलता है, वो जो जो नियंत्रित करता है शुगर को, लेकिन वहीं पर साथ में दूसरी एक और एक सेल है जो उसको उसका विपरीत प्रभाव भी करता है। तो जिन्हें डायबिटीज हो जाता है उनकी शुगर कम नहीं होती है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर संरचना, हमारे रोग की प्रवृत्ति, हमारे शरीर को जो रोग होते हैं, हमारे शरीर की में जो भी शक्ति होता आती है, जो वाइटैलिटी आती है, वो वाइटैलिटी को बनाए रखने के लिए इन चक्रों इन ग्रंथियों का सहयोग जरूरी है। तो वो वृत्तियां वो ग्रंथियां जब एक बैलेंस्ड हार्मोनल सीक्रेशंस पर चलती हैं, तब ये हमारे शरीर की सभी संरचना को संचालित रखती हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कि हमें अपने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा या अपनी आध्यात्मिक सत्ता को संतुलित बनाना होगा। शरीर को संतुलित बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होगी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना होगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस। और सबसे अच्छा जो फिजिकल एक्सरसाइज का एक फॉर्म है वो है आसन, क्योंकि आसन केवल केवल मसल को बनाने वाली एक्सरसाइज नहीं है। आसन वो एक्सरसाइजेस हैं जो हमारे हमारी ग्रंथियों के रसस्राव हार्मोनल सीक्रेशन को नियंत्रित करती हैं और उन्हें हेल्दी बना देती हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज कर देती हैं, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए ग्रंथि समूह से निश्चित होने वाले रसस्राव या हार्मोन्स का ऑप्टिमम लेवल होना अनिवार्य है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो अलग अलग चक्रों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग आसन का प्रयोजन है। और इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं अथवा अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो आनंद मार्ग के आचार्यों से संपर्क करके अपनी आवश्यकता अनुसार, मतलब अपने शरीर के रोग विशेष को ध्यान में रखते हुए, अपनी शरीर संरचना को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार के आसन सीख सकते हैं। तो आसन अकेले आसन नहीं है, आसन है, मुद्रा है, बंध है, वेद है, प्राणायाम है, तरह तरह की विधियां हैं, लेकिन उन्हें एक उपयुक्त कॉम्पिटेंट आचार्य के माध्यम से ही सीखा जाएगा, तब हमें उसका सही लाभ मिलता है। तो अभी हमने देखा कि हमारी फिजिकल जो एंटिटी, हमारा जो शरीर है, उस शरीर की संरचना को मजबूत करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आसन का प्रयोजन है, स्पोर्ट्स का प्रयोजन है, एक्सरसाइजेस का प्रयोजन है। और अब हम दूसरे स्तर पर जब आते हैं तो मानसिक स्तर आ जाता है। तो मानसिक स्तर में हम लोग देखते हैं कि मानसिक स्तर को पुष्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान की ही वो विधि है जिससे हम सूक्ष्म चक्रों को, जो उन्नत चक्र हैं, ऊर्ध्व लोक चक्र हैं, विशेष रूप से अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इन चक्रों को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और इनकी प्रेरणा से ही हमारा शरीर विज्ञान, हमारी मानसिक संरचना, हमारी मानसिक अभिव्यक्तियां हैं, हमारा व्यवहार है, हमारी लॉन्गिंग्स हैं, हमारी लालसाएं हैं, हमारी वृत्तियों की अभिव्यक्ति है, वो नियंत्रित हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो हम लोग अब यहाँ सीखते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर मन है और हमारी संपूर्ण जो जीवन है, वो कोई प्रीफिक्स्ड नहीं है। मनुष्य ध्यान साधना करके, बायोसाइकोलॉजी को समझकर और उसके अनुरूप ध्यान योग आदि की साधना करेगा, तब वो अपने डीएनए में परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि मनुष्य की जो मानसिक क्षमता है,
मनुष्य की जो विचारशील क्षमता है, ध्यान की जो क्षमता है, उससे हम अपने अंदर फंडामेंटल चेंजेस ला सकते हैं, जिन फंडामेंटल चेंजेस के माध्यम से न केवल हमारा व्यवहार बदल जाएगा बल्कि हमारे हृदय से कपटता दूर हो जाएगी, हमारे हृदय से क्रोध चला जाएगा। लेकिन एक बात यहां याद करने की है और समझने की है कि जो 50 वृत्तियां हमारे शरीर में हैं, हर मनुष्य के शरीर में हैं, ये 50 वृत्तियां का कभी लोप नहीं होता है। ये 50 वृत्तियां हमारे अस्तित्व के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, और जब तक ये जीवन है ये 50 वृत्तियां रहती हैं। हम साधना के द्वारा, योग साधना के माध्यम से इन वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, उनका एक सम्यक संचालन कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हम इनको खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अस्तित्व का अंग है। और इन्हीं के माध्यम से प्रेरित होकर हम लोग ऊर्ध्व लोक में ऊपर की जो ग्रंथियां हैं, ऊपर के जो चक्र हैं, उनमें हमारा गमन होता है, उनमें हम लोग चलते हैं और अपने जीवन को अधिक से अधिक आनंद से भरते हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों ने अपने आप को, शारीरिक जीवन को हमने स्वस्थ कर लिया, मन को पुष्ट कर लिया, अब आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रगति करना है, तो हमें अपने आज्ञा चक्र के और आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर जो चक्र हैं उन पर नियंत्रण लाना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें ध्यान और ध्यान के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो जब मनुष्य आध्यात्मिक प्रेरणा से एक कॉम्पिटेंट आचार्य के माध्यम से ध्यान योग की साधना सीख लेते हैं और अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मन को पुष्ट करने के लिए जिस विचारशीलता, जिन अशुभ विचारों की आवश्यकता है, जिस सत्संग की आवश्यकता है, उसका गमन करते हैं, उसमें चलते हैं, तो उनका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है। तब वो लोग देखते हैं कि उनके जीवन में उनका जीवन रस युक्त हो गया है, अमृत रस से युक्त हो गया है, आनंद से युक्त हो गया है। हम लोग इस दुनिया में उसी परम आनंद को, सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। आप सब लोगों का जीवन अपने चरम लक्ष्य को पाने के प्रयास में सफल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।